बेटा ध्यान से सुनिएगा, जावा में जो वन डायमेंशनल एरेज होते हैं वो तो बिल्कुल उसी टाइप से वर्क कर रहे हैं जैसे हमारे सी में है, बस फर्क ये है कि रन टाइम मेमोरी एलोकेशन होता है। लेकिन यदि हम मल्टी डायमेंशनल एरेज की बात करें तो मल्टी डायमेंशनल एरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो जावा में डिफरेंट है बेटा। सी लैंग्वेज में हमारे पास होते हैं रेक्टेंगुलर एरेज, जिसको हम लोग कहते हैं रो मेजर एग्जैक्टली, और वो इंटरनली कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेट करते हैं। लेकिन उनकी जो इंटरनल एक्सेसिंग का जो मेथड होता है बेटा वो आपका काफी स्लो होता है। जावा में जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है उसमें हम बीच में एज अ मीडिएटर जीवीएम को यूज करते हैं। पहले हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, बाइट कोड में ट्रांसलेट होता है, उसके बाद ये प्रोग्राम हम पास कर देते हैं जेवीएम को, फिर जेवीएम इसे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर की हेल्प से एग्जीक्यूट कराता है। तो इस वजह से प्रोग्राम की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो जावा ने कोशिश की है कि यदि कहीं भी कोई स्पीड जो स्लो हो रही है तो उसको रिकवर यदि किया जा सकता है या उसको बेटर किया जा सकता है तो वो किया जाए। और उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इन्होंने मल्टी डायमेंशनल एरेज का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लिया है। डिफरेंट मेथड जो है वो किस तरीके का है कि सी के जो रेक्टेंगुलर एरेज हैं वो आपके जावा में नहीं होते। तो फोर मल्टी डायमेंशनल एरेज वी डोंट हैव रेक्टेंगुलर एरेज इन जावा। फिर जावा में एरे कौन से हैं बेटा? ठीक है ना, तो जावा में हमारे पास होते हैं जेड एरेज, JEGGED, जेड एरे। दीज आर नोन एज एरे ऑफ एरेज। इन एरेज को बहुत ध्यान से समझो, जेड एरे की जो स्पीड होती है वो रेक्टेंगुलर एरे से बहुत ज्यादा फास्ट है। इनका जो एक्सेसिंग इंटरनल मेमोरी में वो काफी फास्ट होता है एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे स्लो है, तो वो कॉन्सेप्ट तो हमारा खत्म हो गया। अब हम आते हैं जेड एरे पे। एग्जैक्टली जेड एरे क्या है? दिस इज नेस्टेड एरे, एरे के अंदर एरे। एक एग्जाम्पल सुनो, फोर डायमेंशन जो एरे होता है बेटा जावा में वो कुछ होता ही नहीं। फोर डायमेंशन एरे में बहुत सारे 3D एरेज होते हैं। अब 3D एरे पे आइए, 3D एरे भी अपने आप में कुछ नहीं होता। 3D एरे जो होते हैं वो बहुत सारे 2D एरे का कलेक्शन है। अब 2D पे आ जाइए, 2D एरे जो है वो बहुत सारे 1D का कलेक्शन है। 1D एरे में क्या होते हैं? 1D एरे में होते हैं एलिमेंट्स। तो यदि आप ये कहें कि जावा में केवल 1D एरे होते हैं तो वो भी अपने आप में गलत नहीं है। यहां पर 1D एरे की हेल्प से ही मल्टी डायमेंशनल का इंप्लीमेंट किया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं जेड एरे या मल्टी डायमेंशनल एरेज। मल्टी डायमेंशनल एरे हो गए आपके फास्ट। तो एक सिंपल यदि सिंगल लाइन की डेफिनेशन है तो वो ये है, एन एरे ऑफ एरेज इज नोन एज जेड एरे। अब एग्जाम्पल से समझो इस चीज को। सी में तो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया, अब जावा में आते हैं। जावा में जो वन डायमेंशनल एरे है उसका सिंटेक्स आप लोगों को मैंने ये बताया था, इसको हम रीड करते हैं लाइक दिस। एक्स इज एन एरे ऑफ इंटीजर और मेमोरी एलोकेट करते हैं हम लाइक दिस, जिसमें एक्स डॉट लेंथ चेक करो तो वो आपको 10 मिलेगा। नई मेमोरी एलोकेट करो इंटीजर टाइप की 10 लोकेशंस, बेस एड्रेस किस में डाल दो? एक्स में। एक्स को हमने इसीलिए बोला रेफरेंस टाइप, और एक्स डॉट लेंथ जो है वो आपका हो गया 10। तो एक्स इज एन एरे ऑफ इंटीजर। तो अब यदि जावा में मल्टी डायमेंशनल एरेज हैं ही नहीं अकॉर्डिंग टू मी कि केवल 1D एरे हैं, तो आप यदि केवल इतने एरे को समझ लो जो ये 3 लाइन लिखी हुई है, तो इसी से मैं पूरा जेड एरे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एक्स इज एन एरे ऑफ इंटीजर। तो बेटा जो स्क्वायर ब्रैकेट आपका लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट आपका इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो तो ये बता रहा है कि एक्स इज एन एरे, और इंट ये बता रहा है आपका कि जो एरे में डेटा है वो किस टाइप का है, दैट मींस इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। तो अब जरा जेड एरे को देखो बेटा, जेड एरे का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट वी हैव ए, हमने यहां मेंशन करा है
इंटीजर, तो ए इज एन एरे ऑफ इंटीजर्स, तो जस्ट यूज सम इंटीजर्स हियर। अगेन वी हैव वन मोर एरे, एंड वन मोर। नाउ ए डॉट लेंथ ऑब्वियस है 5, बी डॉट लेंथ 7, सी डॉट लेंथ 6। यदि मैं आपसे पूछता हूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी 3, तो जस्ट रीड फ्रॉम हियर, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, तो 3 इंडेक्स पे वैल्यू हो गई आपकी 8, तो आप कहेंगे सर वैल्यू इज 8। और यदि मैं आपसे कहूं कि बी 3 इंटू 10 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 8 इंटू 10 कर दीजिए, इक्वल टू 80। तो ये बात जो है वन डायमेंशनल एरे के केस में आपकी हो गई। अब आओ बेटा मल्टी डायमेंशनल एरे पे ध्यान देना, जरा सिंटेक्स पे भी ध्यान देना। दिस इज नोन एज एन एरे ऑफ एरेज, एरे के अंदर एरे। लैंग्वेज पे फोकस करना, वाई इज एन एरे ऑफ इंटीजर एरे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ए इज एन एरे ऑफ इंटीजर एरेज। सिमिलरली हियर वाई इज एन एरे ऑफ इंटीजर एरेज। ए जो वेरिएबल था उसमें वैल्यू इंटीजर टाइप की थी, तो आपने इंटीजर्स लिए थे। वाई जो वेरिएबल है इसमें वैल्यूज आएंगी इंटीजर एरे टाइप की, और ये खुद अब एरे है अपने आप में, तो आप यहां वैल्यूज लेंगे इंटीजर एरे टाइप की। तो ए बी सी, और ध्यान से देखो एबीसी की डेटा टाइप क्या है, ए इंटीजर एरे, बी इंटीजर एरे, सी इंटीजर एरे। तो वाई की डेफिनेशन को आप क्या बोलेंगे, वाई इज एन एरे ऑफ एरेज, यानी एरे के अंदर एरे। वाई डॉट लेंथ की मैं बात करूं तो वी हैव ओनली 3 एलिमेंट्स इन वाई, ए बी सी, जस्ट 3। बट वाई 0 यूजिंग सेम मेथड हियर बी 3, किस तरीके से हम पहुंचे थे, 0 1, देन 2, देन 3, हमने कहा था 8, बिल्कुल इसी तरीके से पहुंचेंगे हम। वाई 0 मींस द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे वाई, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज ए, तो दैट मींस हियर यू आर राइटिंग वाई 0, इनडायरेक्टली यू आर राइटिंग ए, तो दैट मींस यू कैन ऑल्सो राइट वाई 0 डॉट लेंथ, इनडायरेक्टली ए डॉट लेंथ, एंड यू विल गेट द आंसर 5। Similarly, y dot y1 dot length, you will get answer 7. Y2 dot length, you will get answer 6. Now y2, what is y2? Sorry, y1. Y1 is b. Exactly 0 पे a है, 1 पे आपका b है, तो y1 आपका हुआ b. अब आप इसके आगे लिखो बेटा 3. तो y1 को मन में जरा एज्यूम करो कि ये लिखा है b, और यदि b के आगे हम 3 लिखते हैं तो ये आपका हो गया 8, इनडायरेक्टली ये है आपका b3। तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके, डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके हम लोग इसकी वैल्यू एक्सेस कर पा रहे हैं, वैल्यू हमें मिलेगी 8। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करने के लिए आप यदि ये लिख रहे हैं y1 3 into 10, तो इनडायरेक्टली आप लिख रहे हैं पहले y1, y1 मतलब हुआ y का 1 इंडेक्स का एलिमेंट विच इज b, फिर आपने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट 3, दैट मींस b3, b3 आपका 10 है, सॉरी 8, तो वैल्यू आपकी हो गई 8 into 10, आंसर विल बी 80। तो इस तरीके से हम लोग इसे यूज करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, एरे ऑफ एरेज, y इज एन एरे स्क्वायर ब्रैकेट, बात खत्म हो गई। एरे में डेटा किस टाइप का है, ऑफ इंटीजर एरेज, तो यहां एबीसी जो वैल्यूज हमने लिए हैं वो लिए हैं इंटीजर एरे टाइप की, तो आप इसी तरीके से इस एरे को डिक्लेयर करेंगे। अब यदि मैं लूप की बात करूं, पहले सी का एग्जांपल लेते हैं। सी लैंग्वेज में हमारे पास सपोज करो एक वेरिएबल है, और वेरिएबल की जो हमारे पास वो रेक्टेंगुलर एरे टाइप का, उसका साइज आप एज्यूम कर लो 4x5। तो सी में आप एरे लगाते हैं लाइक दिस,
i equal to 0, i is less than 4, i plus plus, 4, j equal to 0, j is less than 5, j plus plus. और जो भी आपका एरे होता है उसका आप एक्स आई जे लिख के डेटा एक्सेस कर लेते हो, मतलब जो भी आपका एरे है, इन जनरल बात कर रहा हूं मैं। अब यहां हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है बेटा कि आप लूप में एरे किस तरीके से इंडेक्स को एग्जीक्यूट कराएंगे, क्योंकि यदि मैं आई की बात करूं तो आई मेरा पहले स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू है जिसमें वैल्यूज मेरे पास है 0, 1, 2, तो यहां आप 3 लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, दैट मींस 0, 1, 2। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ क्या लिखेंगे, j लेस देन 5 तो मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि जो सेकंड मेरे पास इंडेक्स है जिसको मैं j कह रहा हूँ, वो पहले वाले केस में जब y की वैल्यू 0 होगी तो मेरी इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगी आपकी, 0 to 4, नेक्स्ट केस में जाएगी 0 to 6, नेक्स्ट केस में जाएगी आपकी 0 to 5। तो अब ये तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एग्जैक्टली हम क्या लिखे, तो इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। देखो यहाँ आप लिखेंगे वाई डॉट लेंथ, और सिमिलरली यहां आप लिखेंगे y i डॉट लेंथ, y डॉट लेंथ, y मेरे पास है एरे जिसकी लेंथ है 3, तो सेंटेंस मेरा बन गया i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3। अब यहां एक एक करके एग्जीक्यूट कराते हैं, इन इनिशियल वी हैव वैल्यूज ऑफ i इज 0, तो इनिशियली i इज 0, द सेंटेंस इज j इक्वल टू 0, j इज लेस देन y 0 डॉट लेंथ, y0 डॉट लेंथ है बेटा आपका 5, तो सेंटेंस आपका बना j इक्वल टू 0, j लेस देन 5, और j लेस देन 5 का मतलब है आप सेंटेंस एग्जीक्यूट कराएंगे y के लिए y0, i की वैल्यू 0 fx है, y0 का मतलब हो गया आपका a, क्योंकि y0 पे आपने a लिया हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद j की वैल्यू आपकी 0 से लेकर लेस देन, j की वैल्यू लेस देन आपकी 5 तक जाएगी, तो सेंटेंस आपका बना a0, a1, a2, a3, a4 इनडायरेक्टली। नेक्स्ट इटरेशन में i becomes 1, सेंटेंस becomes सेकंड वाला j equal to 0, j less than y1 dot length, y1 dot length कितना है आपका बेटा, y1 dot length है 7, तो सेंटेंस आपका बन गया j equal to 0, j is less than 7, तो आपकी j की वैल्यू जाएगी 0 to 6, कब, जब y की वैल्यू 1 है, y1 का मतलब क्या हुआ इनडायरेक्टली, y का सेकंड एलिमेंट मींस b, तो आपका सेंटेंस एग्जीक्यूट हुआ b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 एंड इन नेक्स्ट इटरेशन इट विल एग्जीक्यूट 6 टाइम। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को यूज करेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं जैक्ड एरे, एरे के अंदर एरे। एक एग्जांपल लेते हैं पहले, उस एग्जांपल से इसको पहले प्रैक्टिकली समझते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो ये मैंने एक जावा का प्रोग्राम बनाया, आपका इनपुट की बात नहीं कर रहे अभी हम लोग, कुछ मैंने एट रैंडम वैल्यूज ले ली हैं, सिमिलरली सेकंड, बेटा रिकॉर्डिंग की परमिशन तो मैंने सभी को दी हुई है, फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूं। दी हुई है बेटा सभी को, ये आशु की नहीं थी उसको मैंने दे दी है। नाउ हियर लेट 11, 12, 13, 14 बेटा कई बार हम एरर से भी सीखते हैं। यहां मैंने लिखा 28.5, दिस इज डबल, जबकि यहां मैंने मेंशन किया है कि सी के अंदर जो एरे वैल्यूज हैं वो इंटीजर टाइप की होंगी। जरा कंपाइल करते हैं क्या आउटपुट आता है, जावा सी p22.java, चेक द आउटपुट, इनकम्पेटिबल टाइप, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। ये कह रहा है जी आपने यहाँ पे डबल लिखा, इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो दैट मींस कि इससे पता चल रहा है कि वो यहाँ इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है। नाउ एरे ऑफ एरेज जो हमने कहा ए बी सी,
मैंने एक वैल्यू लिखी 56, कंपाइल करो बेटा, इनकन्वर्टिबल टाइप्स इंटीजर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर एरे, कहता आपने 56 लिया है, मैं इसे इंटीजर एरे में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इससे पता चल गया बेटा कि वो यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है इंटीजर एरे जो हमने लिखे हुए हैं, ये एबीसी, एबीसी हमने लिए इंटीजर एरे। एक्स में केवल 3 एलिमेंट है, एक्स की लेंथ प्रिंट कराओ। सिमिलरली प्रिंट द लेंथ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू। जावा में बाउंड्री से बाहर जाने की कोशिश मत करना, कल भी मैंने बोला था आपका प्रोग्राम ये टर्मिनेट कर देगा। कंपाइल इट, क्लास नेम हमने दिया ए, रन करेंगे हम जावा ए लिख के, यू कैन चेक द आउटपुट 3947, 3 एक्स की लेंथ, एक्स जीरो इनडायरेक्टली ए, ए की लेंथ आ गई, सिमिलरली बी की लेंथ, देन सी की लेंथ आ गई आपकी, वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं। वही मेथड जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स आई जे। बेटा यदि सी लैंग्वेज की तरह हम बात करें तो हम लोग जनरली मल्टी डायमेंशन को कहते हैं रो मेजर, सॉरी रो कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो मैं वही मेथड ले रहा हूं। तो यहां पर हमने लिया है प्रिंट एलन जो हमारा ब्लैंक लाइन प्रिंट करेगा, और यहां मैंने यूज किया है प्रिंट, तो प्रिंट से क्या होगा एग्जैक्टली हमारा जो डेटा है वो सेम लाइन में प्रिंट होगा। तो थोड़ा सा हम गैप भी डाल देते हैं हर एक के साथ में, लाइक दिस। कंपाइल एंड रन, चेक द आउटपुट 1 2 3 4 5 अप टू 9 11 12 13 14 एंड 21 से लेकर 27 तक, तो वैल्यूज आपकी प्रिंट हो गई। बेटा जावा में एक लूप होता है, मैंने इनिशियली आपको एक ओवरव्यू इसका दिया था, कहते हैं हम लोग कलेक्शन लूप या फॉर ईच लूप। वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, एक ब्लैंक लाइन फोर, फिर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करें सेम उस टाइप का जिस टाइप का एरे में डेटा है। मैं डिस्कस कर रहा हूं ए के साथ पहले, फिर मैं लेके आऊंगा इसको एक्स पे। तो ए में जो डेटा है बेटा वो स्क्वायर ब्रैकेट से पहले लिखा है इंटीजर, तो ए में मेरे पास वैल्यूज है इंटीजर टाइप की। तो इंटीजर टाइप का आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, वेरिएबल नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, देन कॉलन, कॉलन के बाद नेम ऑफ द एरे, यहां आप प्रिंट कराएं आइटम वेरिएबल। बेटा ए में जो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट इटरेशन पे वो आपकी स्टोर हो जाएगी आइटम वेरिएबल में, फर्स्ट वैल्यू है आपकी 1, ये आपका 1 प्रिंट कर देगा। जब ये लूप सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट होगा तो ए की सेकेंड वैल्यू को ऑटोमेटिकली फेच करके आइटम वेरिएबल में डाल देगा, आइटम वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, सेकेंड वैल्यू प्रिंट कर देगा, देन 3 4 एंड अप टू सो ऑन, जो भी वैल्यूज हमारे पास है। इस लूप की खासियत यह है कि इसमें कोई काउंटर वेरिएबल नहीं है, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है जैसे आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस, और कोई कंडीशन भी नहीं है आई इज लेस देन 5 या आई इज लेस देन 3। यदि आपकी एरे में वैल्यूज है 100 तो ये 100 टाइम एग्जीक्यूट होगा, एरे में वैल्यूज है 5 तो ये 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। जितनी भी आपकी एरे में वैल्यूज हैं एग्जैक्टली ये उतनी ही बार एग्जीक्यूट होता है, ये इसकी सबसे बड़ी फीचर है। आपको बस सिंपली एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है उस टाइप का जिस टाइप का एरे में डेटा है, और साथ में आपको एरे का नाम लिखना होता है। देखो आउटपुट,
ये आ गई हमारी वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये तो हुआ आपका वन डायमेंशन का केस। अब जरा मल्टी डायमेंशन की बात करते हैं। हम प्रिंट करना चाह रहे हैं एक्स एरे की वैल्यूज। एक्स में हमारे पास डेटा बेटा किस टाइप का है, जरा ध्यान देना। मैंने आपसे कहा था एक्स इज एन एरे ऑफ इंटीजर एरेज, तो एक्स में मेरे पास वैल्यूज है इंटीजर एरे टाइप की। तो यहां मैंने इंटीजर एरे टाइप का एक वेरिएबल लिया, लेट द वेरिएबल नेम इज एम, और यहां हमने लिखा एक्स। एक्स में मेरे कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 3। तो मेरा ये लूप एग्जीक्यूट होगा 3 टाइम। पहले मैं केवल हेलो डिस्प्ले करा के आपको ये चेक कराता हूं कि ये 3 टाइम्स प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। चेक द आउटपुट, आपका हेलो आउटपुट आया 3 टाइम्स। तो बेटा जितनी एरे में वैल्यूज हैं, एक्स में मेरे पास टोटल 3 वैल्यूज हैं, और हर वैल्यू किस टाइप की, इंटीजर एरे टाइप की। तो इसीलिए यहां वेरिएबल मैंने इंटीजर एरे टाइप का लिया। तो आपका जब वेरिएबल लूप पहली बार एग्जीक्यूट होगा तो एम रिप्रेजेंट करेगा एरे के फर्स्ट एलिमेंट ए को। ध्यान से सुनना, एम रिप्रेजेंट करेगा एरे के फर्स्ट एलिमेंट ए को। तो हमने यहां पे ए के एलिमेंट्स प्रिंट करा लिए। अभी मैंने आपको मेथड सिखाया था, इस तरीके से लिखा था हमने, बस आप ए की जगह एम लिख दो, क्योंकि आपका एम जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट इटरेशन में। ये वैल्यू आ गई मेरी, थोड़ा सा गैप डाल दिया मैंने, और नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने प्रिंट एलन यूज कर लिया एक। ये लूप बेटा सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो एम आपका सेकंड टाइम में रिप्रेजेंट करेगा एक्स के सेकंड एलिमेंट को। एक्स का सेकंड एलिमेंट है आपका बी, तो एम रिप्रेजेंट करेगा बी को। तो ऑब्वियस है आप यहाँ पे किसके एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं, फिर बी के। नेक्स्ट टाइम आप एक्सेस कर लेंगे सी के। जरा कंपाइल और रन कीजिए इसे। हियर इज द आउटपुट, आउटपुट सेम ही है। ऊपर वाले लूप की हेल्प से भी मैंने वैल्यूज प्रिंट ही करानी है, और नीचे वाले लूप की हेल्प से भी। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास जावा में। यदि ये कहा जाए कि जावा में मल्टी डायमेंशनल एरेज होते ही नहीं है, तो बेटा कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही माना जाएगा कि जावा में मल्टी डायमेंशनल एरेज होते ही नहीं है, क्योंकि जावा में एरेज है आपके किस टाइप के, जेड एरे। और जेड एरे की डेफिनेशन क्या है, एरे ऑफ एरेज। यहां पर आपने बहुत सारे वन डायमेंशन को मिलाया तो एक टू डायमेंशन बना बेटा। ऐसे ही यदि टू डायमेंशन बहुत सारे मिलाओगे तो 3D बनेगा, और 3 को बहुत सारे मिलाओगे तो 4 बनेगा। ये उल्टा चल लो, 4D इज अ कलेक्शन ऑफ 3D's, 3D इज अ कलेक्शन ऑफ 2D's, 2D इज अ कलेक्शन ऑफ 1D's, 1D कंटेन्स एलिमेंट्स। तो कुल मिला के एलिमेंट्स ही हैं। ये एग्जांपल हुआ जब वैल्यूज आपको पता है। अब मान लीजिए आपको वैल्यूज नहीं पता, आप यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं, तो फिर हम मेथड यूज करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में। पहले मैं आपको एक पहला सिंटेक्स केवल रिमाइंड करा दूं। हम इसको लिखते हैं ऐसे, यदि यूजर यूजर से इनपुट करानी है मैं वैल्यू, ए इज एन एरे ऑफ इंटीजर्स, तो मेमोरी आप किसे एलोकेट कराएंगे, इंटीजर्स को। स्क्वायर ब्रैकेट से फ्लॉट लिखा है तो फ्लॉट को, डबल लिखा है डबल को, स्टूडेंट लिखा है तो स्टूडेंट को, जो भी कुछ लिखा है। तो यहां ध्यान देना, एक्स इज एन एरे ऑफ व्हाट, इंटीजर एरेज। तो मेमोरी एलोकेट कराओगे आप इंटीजर एरे को, एक्स इक्वल टू न्यू इंट 3 एरे। सेंटेंस पर ध्यान दो, एक्स नई मेमोरी एलोकेट करो इंटीजर टाइप के 3 एरे। तो बेटा आपने 3 एरे क्रिएट करे, आपने 3 एरे तो बना दिए, लेकिन ये नहीं बताया उन 3 एरेज का खुद का साइज क्या होगा, वो साइज भी आप मेंशन कर दीजिए। एक्स जीरो इक्वल टू न्यू इंट लेट 5, एक्स वन इज सपोज करो 9, एक्स टू इज 4। तो आप जरा ध्यान से देखो बेटा, एक्स इज एन एरे ऑफ इंटीजर एरेज। तो मेमोरी एलोकेट कराई मैंने, नई मेमोरी एलोकेट कराई
इंटीजर टाइप के थ्री एरे, तो मेरे पास इंटीजर टाइप के थ्री एरे तो हो गए, पर ये और बताइए वो जो इंटीजर टाइप के थ्री एरेज हैं उनका खुद का साइज क्या होगा। तो एक्स जीरो जो पहला एलिमेंट है उसका साइज 5, देन 9 एंड देन 4। ये प्रिंट एलन से लेंथ वगैरह तो प्रिंट हो ही जाएगी, हम यूजर से इनपुट कराना चाह रहे हैं तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। ऊपर इंपोर्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है और यहां हमने यूज किया एक्स आई जे इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। एक मैसेज दे सकते हैं आप ऑप्शनली, एंटर वैल्यूज, हमें कितनी वैल्यूज डालनी है बेटा, 5 + 9 + 4 जो टोटल वैल्यूज हमें इनपुट करनी है, और नीचे वाला लूप हमारा एज इट इज उन वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। लेट कंपाइल एंड रन। एंटर वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। फर्स्ट एरे में बेटा 5 वैल्यूज हैं, ध्यान से देखो। सेकंड में वैल्यूज हैं आपकी 9 और थर्ड में वैल्यूज हैं 4। यदि यूजर से इनपुट कराना तो आप इस तरीके से इनपुट करा सकते हैं। आपको सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली बहुत प्यारा है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के लिए आप सबका साइज रखेंगे सेम। लेट द साइज ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 by 5, तो आप यहाँ 5 लिख दीजिए हर एक में। तो यहाँ 3 by 5 का हो गया, 3 एरेज ऑफ साइज 5 ईच, तो ये मैट्रिक्स आपकी हो गई 3 by 5 की। देखिए 15 एलिमेंट्स में इनपुट कर रहा हूं, मैट्रिक्स की फॉर्म में वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 3 by 5। और जावा में आप एक शॉर्टकट नोटेशन यूज कर सकते हैं, इफ द साइज ऑफ दीज अरेज इज सेम देन यू कैन ऑल्सो राइट दिस स्टेटमेंट लाइक दिस, एक्स इक्वल टू न्यू इंट 3 5। बस यहां एक चीज का ध्यान रखना है आपको, इससे इस गलत फहमी में मत पकड़ जाना, दिस इज द एरे ऑफ 3 by 5। आप इस सेंटेंस को रीड करेंगे, 3 एरेज ऑफ साइज 5 ईच, रिपीट कर रहा हूं, 3 एरेज ऑफ साइज 5 ईच। तो ये शॉर्टकट आप उसके इसमें यूज कर सकते हैं यदि आप हर एक का साइज सेम रखना चाहते हैं तो, लेकिन यदि अलग अलग रखना चाहते हैं तो उस समय हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तब हमें अलग अलग ही वैल्यूज को मेंशन करना पड़ेगा कि हर एक का साइज मुझे डिफरेंट रखना है। देखिए प्रोग्राम में रन कर रहा हूं, दीज आवर वैल्यूज, तो मैट्रिक्स प्रिंट हो गई आपकी 3 by 5 की। इस तरीके से आप लोग मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, बहुत सारे 2D मिलाओगे तो 3D बन जाएगा और बहुत सारे आप 3D मिलाओगे बेटा तो 4D बन जाएगा। ये है आपका एरे का तरीका।